किताब है हम, इसमें कोई राज नहीं। खुले किताब है हम, इसमें कोई राज नहीं। हमारा ये सांवला रंग किसी मेकअप का मोहताज नहीं। थैंक यू। तो आज जो मैं सुनाने वाली हूँ उसका नाम है मेरे लब्स और तुम। तो ये कागज़ ये कलम ये सुबह का वक्त, ये कागज़ ये कलम ये सुबह का वक्त, सब अहम है कुछ फिजूल नहीं है। ये कागज़ ये कलम ये सुबह का वक्त, ये सब अहम है कुछ फिजूल नहीं है। लेकिन ना हो ख्याल तुम्हारा तो इन हाथों को भी लिखना कबूल नहीं है। थैंक यू। मेरे लब्स असर नहीं करते तुम पे या बेअसर हो तुम। मेरे लब्स असर नहीं करते तुम पे या बेअसर हो तुम। तुम ख्यालों में हो किसी के, क्या तुम्हें ख्याल है या इस ख्याल से भी बेखबर हो तुम। मैंने माना कि नफ़ा है उल्फत में हमसे, मैंने माना कि नफ़ा है उल्फत में हमसे। लेकिन एक दफ़ा तुम मुनाफा भी तो देखो, एक शायर को इश्क हो गया है तुमसे। तुम इस दिल का तकाजा भी तो देखो। मैंने माना कि नफ़ा है उल्फत में हमसे, लेकिन एक दफ़ा तुम मुनाफा भी तो देखो, एक शायर को इश्क हो गया है तुमसे। तुम इस दिल का तकाजा भी तो देखो। मैं नहीं जानती कि फ़ायदा क्या है, मैं नहीं जानती कि फ़ायदा क्या है। लेकिन मैं पागल हूँ तुम्हारी चाहत में, मैं कलाकार हूँ तो तुम्हारी बदौलत, लोग ढूंढेंगे तुम्हें मेरी लिखावट में। थैंक यू। मैंने देखा है अक्सर कि लिखने वाले चाय के शौकीन होते हैं। मैंने देखा है अक्सर कि लिखने वाले चाय के शौकीन होते हैं। लेकिन मुझे चाय पसंद नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो तुम्हारा ख्याल ही काफ़ी है। और जान मुझे क्या ज़रूरत चाय की तलब की, तुम्हें इश्क नहीं है मुझसे, मेरे कागज़ों को ये मलाल भी काफ़ी है। थैंक यू। वैसे छोड़ो क्या होगा इतना लिखने और सुनाने के बाद, छोड़ो क्या होगा इतना लिखने और सुनाने के बाद। कोई ना समझ भी समझ जाता है यार इतना समझाने के बाद। ये पता है मुझे कि तुम्हारे लिए मकाम अच्छे हैं बस अच्छे दिखने वाले के, ये पता है मुझे कि तुम्हारे लिए मकाम अच्छे हैं बस अच्छे दिखने वाले के। लेकिन सुनो तुम खुश नसीब हो जाना, तुम दिल में आए थे किसी लिखने वाले के, तुम दिल में आए थे किसी लिखने वाले के। तो लास्ट में मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। मैं नहीं जानती कि कैसी हूँ मैं, मैं नहीं जानती कि कैसी हूँ मैं। लेकिन सब कहते हैं कि तुम जैसी हूँ मैं। मैं नहीं जानती कि कैसी हूँ मैं, लेकिन सब कहते हैं कि तुम जैसी हूँ मैं। जानती हो अम्मी, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे कहता है कि मुझ में तुम्हारा बचपना झलकता है। सब कहते हैं कि चिड़चिड़ी हूँ मैं, सब कहते हैं कि चिड़चिड़ी हूँ मैं। लेकिन तुम हो जो मुझे समझी हो, मुझको जन्म देने के लिए तो अम्मी 19 साल पहले तुम अपनी ज़िंदगी से उलझी हो। थैंक यू सो मच।